दोस्तों पहले हम एलईडी टीवी लेते टाइम ध्यान रखते थे स्क्रीन की क्वालिटी को, पैनल को, स्क्रीन के साइज को या साउंड क्वालिटी को, लेकिन आजकल टाइम चेंज हो चुका है। तो आजकल हम देखते हैं कि एक एलईडी टीवी स्मार्ट है या नहीं, अगर वो स्मार्ट है तो वो एंड्रॉयड है या नहीं, वो कौन से रेजोल्यूशन के साथ आती है, फुल एलईडी के साथ या 4K के साथ। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि उस एलईडी टीवी में वाईफाई का फीचर है या नहीं। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एलईडी टीवी की जिसके अंदर ये सभी फीचर्स तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा उस एलईडी टीवी में हमें एआई का फीचर भी देखने के लिए मिलने वाला है। ये फीचर क्या होगा उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ इसी वीडियो में आगे बताऊँगा। उसके अलावा बात करेंगे कि हम इस एलईडी टीवी के कितने वेरिएंट इंडिया के अंदर लॉन्च हो रहे हैं, उनकी प्राइसिंग क्या कुछ रहने वाली है और वो एलईडी टीवी लेना बनता भी है या नहीं। तो उससे पहले कर लीजिए आपके चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो जिस एलईडी टीवी की मैं बात करने वाला हूँ वो लॉन्च हुई है iFFALCON की तरफ से, जो कि TCL का ब्रांड है, K31। ये एक 4K स्मार्ट अल्ट्रा HD एंड्रॉयड एलईडी टीवी है। इस एलईडी टीवी के तीन वेरिएंट मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। पहला लॉन्च हुआ है 43 इंच का, सेकंड लॉन्च हुआ है 50 इंच का और थर्ड लॉन्च हुआ है 55 इंच का। तीनों ही एलईडी टीवी 4K रेजोल्यूशन के साथ आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इस एलईडी टीवी के फीचर्स के बारे में। इसके अंदर जो स्क्रीन का पैनल मिलेगा वो A+ ग्रेड का पैनल मिलेगा, स्लीक बेजल्स के साथ नैनो बेजल्स का डिज़ाइन मिलेगा, डॉल्बी ऑडियो साउंड को ये सपोर्ट करेगा। अगर बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ पे क्वाड कोर का CPU मिलेगा, ट्रिपल कोर का GPU मिलेगा, 2GB की रैम मिलेगी जो कि काफ़ी अच्छी बात है और 16GB की आपको स्टोरेज मेमोरी मिलने वाली है इस एलईडी टीवी के अंदर। आपको प्रोसेसर इसके अंदर Amlogic का यूज किया गया है। अगर बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा वो एंड्रॉयड पाई 9.0 के बेस पर काम करने वाला मिलेगा। इस एलईडी टीवी के अंदर जो पैनल मिलने वाला है वो आपको A+ ग्रेड का पैनल मिलने वाला है जो कि LED टीवी पैनल होगा। इस एलईडी टीवी के अंदर क्रोम कास्ट इनबिल्ट होगा, साथ ही साथ गूगल असिस्टेंट का भी फीचर मिलेगा। इस एलईडी टीवी में एंड्रॉयड प्ले स्टोर भी होगा जिससे आप एंड्रॉयड की एप्स को भी डाउनलोड करके इसमें यूज कर सकेंगे। इस एलईडी टीवी के अंदर 1,000,000+ आवर्स का कंटेंट मिलेगा जिससे आप मूवी म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। जो हाईलाइट फीचर है वो ये कि ये वॉइस कमांड पर भी काम करेगा, जो कि नॉर्मल एलईडी टीवीज अपने रिमोट से वॉइस कमांड लेती हैं, लेकिन इस एलईडी टीवी से आप विदाउट रिमोट अपनी एलईडी को कमांड दे सकते हैं और अपने मनपसंद कंटेंट को देख सकते हैं। ये इसका हाईलाइट फीचर है। इस एलईडी टीवी में एक और खास बात है कि आपके घर में अगर और भी कुछ स्मार्ट डिवाइसेज हैं जो कि आपकी वॉइस कमांड पर काम करती हैं तो उसको आप इस एलईडी टीवी के साथ अटैच कर सकते हैं और उन्हीं सभी स्मार्ट डिवाइसेज को अपनी एलईडी से कमांड देने के बाद उनको यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कुछ स्मार्ट डिवाइसेस को यहाँ पर वॉइस कमांड के द्वारा एलईडी टीवी से कंट्रोल किया जा रहा है। अगर बात करें इस एलईडी टीवी के पोर्ट्स और स्पीकर्स की तो यहाँ पर आपको 3 HDMI के पोर्ट, 2 USB पोर्ट मिलते हैं। इस एलईडी टीवी के अंदर 20W का स्पीकर मिलता है। ये एलईडी टीवी AI बेस है, मीन्स ये कंटेंट के अकॉर्डिंग ग्राफिक्स को और साउंड को ऑप्टिमाइज कर लेता है। इस एलईडी टीवी के तीन वेरिएंट इंडिया के अंदर लॉन्च हो रहे हैं, 43 इंच का अल्ट्रा HD जो कि 25,999 का है, 50 इंच का अल्ट्रा HD जो कि 30,999 का है और 55 इंच का अल्ट्रा HD जो कि 35,999 रुपये का आपको मार्केट में मिल जाएगा। फिलहाल ये Flipkart पर अवेलेबल है। तीनों की प्राइस रेंज काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव लगी मुझे। अपने इस प्राइस रेंज के अंदर ये एलईडी टीवी काफ़ी अच्छी है। आपको ये एलईडी टीवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके माइंड में किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और डिसलाइक करके अपना फीडबैक दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।